हे? कुछ खाएंगे या आप यहीं रहेंगे या फिर आप मालिश का लुत्फ उठाना चाहेंगे? मैं मसाज कर दूं क्या? मैं करूं, बहुत अच्छा करती हूँ। मुझे नशे में करने की कोशिश मत करो, मुझे भूख लगी है। इन्हें यहाँ से भेजो, मुझे सी फूड चाहिए। महाशय आप इसको खाकर देखिए। ऐसा लग रहा है कि मैं एक नदी में हूँ, मछली तैर रही है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। भले ही इसकी महक मछली जैसी है, पर बीनकट तो बीनकट जैसा ही रहेगा ना। अपने आकार को फैलाता है, आजीवन नहीं लौटता। आप सभी बीनकट से अंधे हो गए हैं। इसे बिना फॉर्म के देखो, इसको ऐसा आकार दिया गया है। हालांकि बीनकट का स्वाद मछली की तरह है, और ये सिर्फ बीनकट है और ये बीनकट ही रहेगा। बात समझ में आई? तुम चाहते क्या हो? रिवर फ्रेश शॉप होने के नाते तुम नदी का खाना ही खिलाओगे ना, वरना हम अपना मनपसंद बारबेक्यू ही खाते। चलो मजे करें। ऊपर वाला इन बुरी आत्माओं को शांति दे। आखिर तुम हो कौन यार? मैं माउंट फू का क्विंग सेक्स हूँ, मेरा नाम बहुत सुंदर है। सभी के लिए शांति भरा गीत आपको पसंद आएगा, चलो अब मजे करो। मेरे हाथ गंदे ना हो जाएं, इसलिए मैंने तुम्हें मारा नहीं। डिमॉन, जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक राक्षस है जिसे मेरी सुंदरता से प्यार नहीं हुआ है। ये अफसोस की बात है। ये ताकत हजार साल ध्यान लगाकर सिर्फ स्नेक गर्ल क्विंग योन को मिली है। मेरी बात समझ गए ना? एक और आया मरने। राक्षस, तुमने 81 राक्षस मारने वाले को मारा है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं उनकी मौत का बदला लूंगा। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, पर इस सुंदरता का क्या फायदा? तुम मेरे सामने आओ, डर गए क्या? तुम जय जरकाम,
ये तो बेकार हो गया। क्या? 3 दिन और 3 रातें, मेरा भाई पतला हो गया है। मेरे पास इससे अच्छा सामान। खैर, तुम्हारा अच्छा सामान क्या है? वुशान वो बहुत गुस्से वाली है, आग वलने में माहिर है। मैंने अपनी आवाज खो दी। क्या कुछ मूल्यवान है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास पैसा है उसे देखने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे पास पैसे हैं? बिना पैसा दिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हें पता चला कि हमारे पास पैसे हैं। आओ, तुम्हारे लिए सद्बुद्धि लाया। शार्क मछली शुभता को प्रस्तुत करती है, जो आप चाहे उसे प्रस्तुत करती है। पारगमन को प्रस्तुत करती है। इतनी बड़ी शार्क मछली, क्या होगा अगर लाल जल जाए और खा ना पाए? प्रकृति की चीजों का बेकार इस्तेमाल। शार्क मछली, बड़ी शार्क मछली। रहने भी दो। क्या तुम्हें इसकी सबसे प्यारी चीज पता है? क्या? कोई शार्क के आंसू? हाँ, शार्क आंसू कभी नहीं बहाएगी और यही सच है। तुम्हारे पास है क्या? आप मुझे कम समझ रही हैं। मेरे पास शार्क के आंसू है, ये देखिए। क्या ये सच है? ये कितने का है? 4 लियान। क्या? 6 लियान। हाँ, 8 लियान। 8 लियान। ये सब ठीक है भाई, इसे जल्दी पी लो। हाँ? कैसा लगा बताओ ना भाई। बता नहीं सकता, नमकीन है। ये तो अच्छी बात है, आंसू नमकीन ही होते हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया, अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। सुपियो, फ्लाइंग ब्रेड के शिष्य कितने बेवकूफ होते हैं ना। कौन है? वैसे आप कौन हो? आवेगी मत बनो, मेरी बात सुनो, से नीचे रखो, नीचे रखो। अरे रख भी दो। सच बोलू तो मैं एक इंसान नहीं, राक्षस हूँ। अच्छा? समझ गए तुम? भाई तुम भाग्य शाली हुए राक्षस है, इसे बांधो जल्दी से, इसे पैसों के लिए पवेलियन भेज देंगे। एक मिनट रुको। दो तरह के राक्षस होते हैं, अच्छे और बुरे। इसकी वजह को देखो, वो एक अच्छा राक्षस होना चाहिए। बूढ़े बाबा, क्या आपको कोई दिक्कत है? हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। भाई वो एक राक्षस है। मुझे पता है, मैं बहुत शांत हूँ। मैं जटांकार हूँ, मैं वीर मंडप से अपनी पोती को अपने साथ ले आया हूँ। वो एक शार्क है जिसे सारा अपमान सहना पड़ा। उसने तो कभी दुनिया से लड़ाई के बारे में सोचा भी नहीं था। पर बीच रास्ते में चलना, फ्लाइंग ब्लेड मेरी पोती को दूर ले गया। मैं नायकों के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरी मदद करो, मेरी पोती को बचाओ, बचाओ। सिर्फ तुम ही मेरे पोती को बचा सकते हो, समझे? मैं बहुत लाचार हो गया हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। भाई फ्लाइंग ब्लेड तो राक्षस सूची का एक मास्टर है, तुम उसे हरा नहीं सकते हो। सही बात है। हाँ। पैसे कमाना मुश्किल काम है, इसे वापस करता हूँ और हम भाग चलते हैं। इसे रखिए। रुको यूडो। मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास आओ यूडो। भाई रुको, अरे जाने दो उसे।
योडो, मुझे पता है आप कौन हैं, लेकिन लगता है आपकी किस ओपियो को कुछ नहीं पता। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। मैंने आपकी पोती को बचाया। जितना दूर जा सकते हो उतनी दूर चले जाओ आप लोग, ठीक है? रात को मैं आपका इंतजार यहीं पर करूंगा। सुनो, हमें जाना है। कहाँ जाना है? तुम्हें पता है? कहाँ जा रहे हो भाई? अरे रुको, चलो भी, चलो आ जाओ, आ जाओ। कमजोर लड़की कहीं की। तो मेरी जगह पर आते हो और शोर मचाते हो, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए तुम्हें। महाराज, तुम मैं चाहता हूँ कि तुम एक आत्मा ढूंढो। तुम ये बताओ, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मिला क्या? अभी तो कुछ नहीं मिला महाराज। बिल्कुल, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी। उसका शरीर फ्लाइंग ब्लेड के पास है, मैंस डेविल पेविलियन में। जल्दी जाओ, उसको लेके आओ। हाँ हाँ, जल्दी करो। तुम्हें पता है स्नेक गर्ल 100 लोगों को इकट्ठा करने वाली है। अब तुम जल्दी जाओ। जो हुक्म मेरे आका। ये गधा मेरी जान लेकर मानेगा। तुम में से पुराने शहर की पोती कौन है? मैं। हाँ, मैं आपको बचाने आया हूँ। हाँ? क्या आप मेरी इस दोस्त को भी बचा सकते हैं मेरे साथ? आपके दादा ने केवल आपको बचाने के लिए पैसे दिए हैं। क्या इंसान केवल पैसों के लिए काम करते हैं? क्या बोल रही हो, बकवास मत करो। तो फिर ना ये जाएगी और ना ही मैं जाऊंगी। अगर बचा सकते तो बचा लो, वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हाँ, चलो तुम दोनों, ये कपड़ा थोड़ा अतरंगी है। चलो जल्दी कपड़े बदलो, चलो जल्दी पहन लो इसे। क्या हुआ? हमारी गर्दन के चारों ओर देखो, इसे पहनने के बाद जैसे ही फ्लाइंग ब्लेड अपनी जादुई बांसुरी बजाएगा, हम लोग मर जाएंगे। जादुई बांसुरी कहाँ है वो, तुम जानती हो क्या? पश्चिम की ओर गुप्त कमरे में। आगे बढ़ो। मैं यहाँ रुककर इनकी देखभाल करो। नहीं, मैं नहीं रुकने वाली। इसे पहनो। हाँ?
की कोशिश करना। ओ नहीं 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 नहीं, बाई तरफ पेंच है। ओ शुक्रिया। ये अभी तक आई क्यों नहीं? रुको भाई, जल्दी निकलो। रुको भाई। मिलेनियम कोई? हाँ मिलेनियम कोई, बड़ी मिलेनियम कोई। चलो हो गया है ना। आप लोग अपने आंसू बहुत पीते हो, चलो उनके आने से पहले यहाँ से निकल लेते हैं। सही कहा ना मैंने दादाजी, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, चलते यहाँ से जल्दी। यूडो, ये नदी के बहुत करीब है, लेकिन पूर्णिमा में अभी कुछ दिन बचे हैं, इसलिए धैर्य से काम लें। क्या क्या मतलब? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पोती थोड़े दिन आपके घर पे रुक सकते हैं क्या? बूढ़े राक्षस, तुम लालची मत बनो, समझे? शुक्र मनाओ कि हम दोनों ने मिलकर तुम्हें मारा नहीं है। मेरे दादाजी से कैसे बात कर रही हो? मेरा ऐसा ही है, समझे तू? तुम यहाँ से जा सकती हो। दादाजी, हम इनका गुस्सा क्यों देख रहे हैं? चलिए चलते हैं। हे, रुक जाओ। सुनिए, मैं आपसे एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा, आपको सोचना होगा कि मेरे लिए एक निरंतर खतरा है। क्या आप मेरे चरित्र को कम करके आंकते हैं? हाँ नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, पर एक और बात। अगर आपने जो कहा वो सच है तो क्या मुझे उसे मारना चाहिए? सुनिए, मैं आपके चाकू पर विश्वास करता हूँ, ये लोगों की जान बचाता है, निर्दोषों की जान लेता नहीं। मेरे पास केवल ये है जो शायद आपके कुछ काम आ जाए। उंगली उठाना, उंगली उठाना, इतनी देर क्यों कर रही हो? चलो भाई। हाँ। भाई हाँ? वो राक्षस है। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ और वो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रुकेंगे। हाँ मेहमान नवाजी करेंगे हम। ठीक है चलो, आ जाओ आ जाओ, वैसे ये रखने लायक है। हाँ आ जाओ जल्दी चलो। अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना कब सीखोगी? हाँ बताओ मुझे। हाँ तुम्हें एकांत के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? हाँ पहले जाकर ये सीख कर आओ तुम। हाँ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा होगा। अब तुम्हें एकांत का ख्याल आ रहा है? एकांत की बात कर रहे हो, राक्षस घर में ले आए आज। सही बात है, मेरी बात सुनो। वो पुरानी कहावत क्या है सुनो, परेशानी को कम करने के लिए लोगों के पैसे और पैसे ले। हमें थोड़ा शातिर होना पड़ेगा, ठीक है भाई? हाँ शिकार का एक शिकारी गिरोह लोगों को हंसाने के लिए काफी है। आप इन लोगों को घर में क्यों ले आए? आप क्या करना चाहते हैं? क्या हम जानवर रखें? और वो ये फ्लाइंग ब्लेड कौन है? उसका नाम सुनकर आपको बहुत खुशी मिलती है? सही कहा तुमने, मृत भी उनके हैं,
उनकी तरह तुम्हारा भाई भी वो हो जाएगा और एक बार में एक चाकू काफी है। हाँ बस रहने भी दो आप, क्योंकि मुझे याद है कि आपका चाकू कभी बाहर नहीं निकाला गया है। ये असली है या नकली क्या पता। चलो इसी बात पर सो जाते हैं। और हाँ सुनो, सोने से पहले दवा लगा लेना, ठीक है? इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? और दवाई याद से लगा लेना, ठीक है? सफलता ही सफलता। महाराज को बधाई हो, बधाई हो महाराज को। अच्छी खबर क्या है महाराज? क्या आप मुझे नहीं बताएंगे महाराज? तुमने हर बार हमारी मदद की है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता ये सब करते हुए? अगर स्नेक गर्ल को सब पता चल गया तो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे और तब तक आप यहीं रहेंगे। जीन लॉन्ग का गोल्डन शरीर अब नीचे आ रहा है। मेरी बात समझ में आई महाराज? आराम से, आराम से, जब जरूरत हो तब ही आना चाहिए। सीओपीओ, आज एक पर एक बेकन खरीदा। कांजू उठो, कांजू क्या हुआ? फ्लाइंग कांजू, फ्लाइंग ब्लेड यहाँ है। फ्लाइंग ब्लेड, बात करना बंद करो, मैं खून रोकता हूँ। मैं अब नहीं बचूंगी। आप एक अच्छे इंसान हो, जाओ जल्दी जाओ, उन्हें बचाओ। इसके पहले क्या किया था? क्या तुमने उस समय परिणामों के बारे में नहीं सोचा था? जोड़े में मारना और जोड़े में मछली खाना, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा, तुम्हारे प्यारे दादाजी के लिए। बहुत बढ़िया। कोई है क्या? मेरे दादाजी की मदद करो, कोई बचाओ। तुम्हारा चेहरा फाड़ना है, मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ना चाहता हूँ। तुम फिर से आ गए, तुम भी तो शैतान पकड़ते हो, बुराई की मदद करते हो, चाहते क्या हो? तुम ये क्यों करते हो? पैसे के लिए। एक ही बात है, वो मुझे ज्यादा पैसे देते हैं। तुम मरना चाहते हो? क्यों? ये सब पैसे के बारे में है, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, हम दोस्त बनेंगे, हम दोस्त बनेंगे ना, क्या कहते हो? बहुत देर हो चुकी है।
किसुपियो जागो, किसुपियो तुम्हें क्या हुआ है, जागो। फ्लाइंग ब्लेड ने उसे दवा दी थी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। दादाजी क्या हुआ है? ना। भाई मुझे क्या हुआ था? दादाजी 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 जन्म मृत्यु बीमारी से कोई नहीं बच सकता। दादाजी आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। यूडो मैं आपसे विनती करता हूँ, पूर्णिमा की रात तक मैं आपको जियो लुआन की रक्षा करने के लिए विनती करता हूँ। आप उसे नदी किनारे लेकर जाना, वरना एक दुष्ट ड्रैगन पैदा होगी और दुनिया जीवित प्राणियों को चारकोल के साथ पेंट कर देगी। दादाजी मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे नहीं जाना। मैं जवाब देता हूँ। कसम खाइए आप। नहीं खा सकता। दादाजी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये पक्का करूंगा। दादाजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ रहना है। दादाजी छोड़ दो मुझे, दादाजी मुझे नहीं जाना, दादाजी छोड़ दो दादाजी। मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, इस बार मुझसे झूठ मत बोलना, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, स्मार्ट बनो। तुम जानते हो फ्लाइंग ब्लेड को उसने पकड़ लिया है। सुंदर लड़के से नजरें नहीं हट रही। क्या मतलब? जो भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। हाँ तुम्हें समझना चाहिए ना थोड़ा। अब आगे क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं करूंगा, एक बार में एक कदम, शायद हम पूर्णिमा की रात तक जिंदा रह सकते हैं। हाँ भाई वो ब्लेड इतना शक्तिशाली था, तुमने उसे कैसे हराया? तुम्हें क्यों जानना ये? हाँ मैं बच गया, इतना काफी नहीं है क्या? नहीं भाई मुझे लगा कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। हाँ पता नहीं क्यों इतनी पी ली इसने। भाई सोपियो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अपने कमरे में जाकर सो ना। दादाजी आप मुझे छोड़कर मत जाना, दादाजी मुझे छोड़कर मत जाना। Thank you.
मेरी बहन आपको बधाई, आपने 100 आत्माएं एकत्र की हैं। अब आप अपनी चरम पर पहुंच गई हैं। कोई हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तुम बातें तो काफी अच्छी करती हो, तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। वैसे मेरी बहन, सारा काम हो चुका है, अब नए काम की जरूरत है। मेरी बहन, आपके लिए एक इंसान की हड्डी का सूप। कल तुम बस उसे पानी की जगह जहरीला सूप दे देना। थोड़े समय में वो मर जाएगी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं नहीं जाएगी। जहर लौंग के पुनर्जन्म के बाद उसकी जगह तुम्हें दे दी जाएगी, ठीक है ना? ये क्या किया? आप ठीक हैं? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नदी का पानी खून बन जाता है, आत्मा हड्डी बन जाती है। आज एक ही बार में दो चीजें हैं, ड्रैगन सोल को छोड़कर बस ड्रैगन किंग के पुनर्जन्म वाले गोल्डन शरीर को ढूंढो। उचित समय पर ब्लैक ड्रैगन को दोबारा जिंदा किया जाएगा। मेरी ही जीत होगी। बदबूदार टिड्डे, मुझे इस नाम से नफरत है। महाराज, ब्लेड मर चुका है। मुझे डर है कि हमारे अलावा और कोई भी गोल्डन ड्रैगन के बारे में जानता है। और लोग है, उसका नाम है लियो ईडो। लियो ईडो भाई, भाई मेरी रक्षा करोगे? जमीन सूखी थी ना? हाँ, बहुत दूर दूर तक जमीन सूखी पड़ी है, मैंने अभी देखा है। वो शराब, वैसे तुम्हारी सारी शराब वो पी गई, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाई। वो कहाँ है? वहाँ है। नशे में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम बहुत नशे में थी, तुम मुझे बिना कपड़ों के ही मिली थी। चिंता मत करो, सीओपीओ तुम्हें लेकर आई थी यहाँ पर। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, चिंता मत करो। तुम सो जाओ। उठ जाओ, ये पी लो, इसे नशा उतर जाएगा। मैं तुमसे बात नहीं करती अगर मेरा भाई तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ता। तुम मेरे खिलाफ क्यों बात कर रही हो? मैंने क्या किया है? ऐसा इसलिए है कि तुम्हारे आने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। हमें इतनी दिक्कत नहीं होती अगर तुम हमारे पास नहीं आती तो। हाँ, ये तो है। तुम भेदभाव वाली बात कर रही हो। हम राक्षस तुम लोगों की ही तरह होते हैं, समझी? और तुम्हें पता है, कोई भी राक्षस बुरा नहीं होता है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है। तुम इंसान ना सिर्फ हमें बेचते हो, बल्कि मेरे दादाजी को मार दिया। ठीक है, सुनो, तुम्हें ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। उठो और नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुनो, तुम जाकर इसके लिए पानी गर्म कर दो। भाई, मैं क्यों करने जाऊँ? सुनो मेरी बात, ये तुम्हारे लिए है। दिन भर नंगे पैर घूमते रहती हो बाहर, तुम गर्म पानी कर तुम आराम कर लेना।
फिर मैं भी गर्म पानी से नहाऊंगी। ठीक है। वो बचपन से ही ऐसी है। जल्दी उठो, दवाई ठंडी हो रही है। चलो उठ भी जाओ। हाँ, तुम्हें क्यों लगता है मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दवाई पी लेना। बड़े भाई, वीर मंडप आस पास ही है, आपको अपना ध्यान रखना होगा। छोटी बहन, परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जा कहाँ रहे हैं? तुमने मेरे पीछे आओ। क्या कर रही हो तुम? ए, एक बात बताओगी? तुम्हारे भाई को कैसी लड़की पसंद है? हाँ, मुझे कैसे पता होगा, मैंने उसे कभी प्यार में नहीं देखा है। कोई लड़का मुझे क्यों नहीं पसंद करता है? क्या मैं मर्दाना जैसे दिखती हूँ क्या? सुनो, तुम राक्षस अपने जादू से सब बदल देती हो ना, मेरे लिए कुछ नए कपड़े बना दो ना। चलो भी ठीक है, कोशिश करती हूँ। करो। खूबसूरत है, पर मुझे लगता है थोड़ा सादा है ना? क्या कुछ और है? हाँ ठीक है। ये बहुत ही अच्छी दिख रही है, पर ये रंग मुझ पर अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरा करो ना। क्या तुम बदल दोगे मेरे लिए? हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। ये वाली बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता है तुम्हारा जादू मेरे भाई से भी बेहतर है। हाँ, औरतें मुझे समझ नहीं आती। ब्लेड, ये तो मर चुका है। सुनो भाई, स्नेक डिमेन के पास कैसे पहुंचेंगे? स्नेक डिमेन? ये स्नेक डिमेन क्या है? इसे मारने वाला आदमी ज्यादा ताकतवर है। फ्लाइंग ब्लेड राक्षस सूची में 30 नंबर पर था। कम से कम 29 लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। मुझे डर है कि ये काम आसान नहीं होगा। घाव बहुत साफ है, चाकू के घाव की तरह। वैसे मुझे डर है कि एक इंसान ऐसा कर सकता है। क्या ये मेरे भाई ने कहा कि वो फिर से धूप में बारिश हो रही है, लगता है कोई वापिस आ रहा है यहाँ पर।
क्या आप मुझे बचाएंगे? आ जाओ, ये दवाई ले लो। ये लो। हाँ, इसे लगा लो, तुम ठीक हो जाओगी। मैं आपके घर के सामने गिर गई थी, अब आपको मेरा ख्याल रखना होगा। ठीक है। क्या मेरा हाथ मुलायम है? ये बुरा नहीं है। मुझे यहाँ बहुत भरा भरा लग रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? जरा देखोगे यहाँ क्या हुआ तुम्हारी छाती में? रक्तपात! अरे ये तो गंभीर है। अभी मैंने तुम्हारी पल्स चेक की तो मैंने देखा ये बहुत अजीब तरह से चल रही है। ऐसा होता है, बदबू आना, एसेंस चले जाना, ये बहुत आम बात है। सुनो, दवाइयों की किताब में 5 तरल पदार्थ में बदलने वाले 5 जंग ऑर्गन का एक सिद्धांत था, ठीक है? समझा तुमने? यानी तुम्हारा दिल, लिवर, स्प्लीन, पेट और किडनी, तुम्हारा पसीना, आंसू, थूक और नाक के अनुरूप है। ये बात पता है तुम्हें? तुम्हें पलंग पर जाना होगा। पलंग पर जाना होगा? मुझे शांत रहना होगा, तो चलो। एक बात बताओ, मैं सुंदर हूँ ना? तुम बुरी नहीं हो। तुम ही वो इंसान हो ना? ये इतना समझ के बाहर क्यों है? बोलो ना, चुप क्यों हो? क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें अच्छी लगी क्या? मैं तुम्हारी सुंदरता देख रहा हूँ। तुम सुबह पैदा हुई थी। वैसे तुम कैसे जानते? क्योंकि उस समय रात थी। रुको, जब तुम बाहर जाओ दरवाजा बंद करना मत भूलना। देखो, उसके बाद हमें उससे मोल भाव करना पड़ेगा। अगर तुमने मोल भाव नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। भाई, ये तुमने क्या किया? गुंडे घर में घुस गए थे, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम घर संभाल लो। आज तो बच गया। रुको, मैं आया। मैं ये कल्पना नहीं कर सकती कि यहाँ बहुत सारे राक्षस भी होंगे। उसे इतनी बात मत करो, हम अभी भी भूत चाकू की तलाश कर रहे हैं। छोटी बहन, जाओ जल्दी निपटाओ। चलो। पहले एक लियो ईडो था, अब एक महत्वपूर्ण और स्वर्गीय दिल है। मजा आएगा। अब मेरा समय आ गया है। सोफियो, तुम क्या कर रही हो? अपने भाई का इंतजार कर रही हो क्या?
किसोपियो, क्या कर रही हो तुम? किसोपियो से क्या हुआ? जल्दी से अंदर जाओ, वहाँ सोने का पानी रखा है, अलमारी में डब्बे में रखा है, जल्दी जाओ लेकर आओ। सुनियो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। ये लो, मिल गई। क्या करने? इसे घाव पे लगाओ। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। यूडो, किसोपियो के साथ क्या हुआ है? रोचाको, तुम्हारे दिमाग में रोचाको ऐसी जगह नहीं है जहां आप आना जाना चाहते हो। तुम उसके लायक नहीं हो। उसके बारे में क्या? सुपियो, कौन इसके बारे में सोच सकता है? और मेरे राक्षसों की सूची में वो चाकू नंबर 3 पर है। ये बहन है ना तुम्हारी, तुम्हें नहीं पता? बिना किसी चिंता के नदी और झील पर चलना चाहते हो? एक बात बताओ, क्या तुम इस सरल सत्य को भी नहीं समझते हो? तुमने उसके साथ क्या किया? ये कुछ भी नहीं, उसके हाथ को काटने दो, बस एक छोटा सा घाव है ये, और तुम्हारी बहन राक्षस की तरह बन गई है। भूत चाकू, क्या तुम्हें राक्षस पकड़ना पसंद नहीं है क्या? राक्षस तुम्हारे सामने है, क्या तुम उसे मारोगे नहीं? अब तुम क्या सोच रहे हो? देखो इसे, ये तुम्हारी बहन है और ये राक्षस बन चुकी है, इसे मारना ही होगा। आगे बढ़ो और इसे मार दो। इसके बाद से हर महीने जब पूरा चांद होता है ये राक्षस बन जाती है। बाद में मैंने सुना कि सिर्फ सोने का पानी ही थोड़े समय के लिए इसे कम कर सकता है। बस पैसे इकट्ठा करने के लिए ही मैंने तुम्हें अपने साथ रखा है। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यहाँ रखने के लिए मुझे सोना दिया था। चलो चलते। सीओपीओ को राक्षसों से नफरत है, वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा दोषी समझा। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि सीओपीओ वापस आ जाए मेरे पास। मैं इतने सालों से अपने साथ इसे लेकर पूरी दुनिया घुमा और सारे डॉक्टर्स के पास गया, मैं फिर भी कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सका। तुमने कहा तुम्हारी बीमारी, ये डॉक्टर के पास आने वाले लोग और हमारे राक्षसों का जहर, इसे केवल एक राक्षस ही ठीक कर सकता है, समझे? अगर ऐसी बात है तो मेरे दादाजी का एक दोस्त है जो कछुआ डॉक्टर है, मैंने सुना है कि उनकी दवाई बहुत ज्यादा अच्छी है। कछुआ डॉक्टर, कहाँ मिलेंगे वो? वो
वो पहाड़ों में कहीं रहते हैं। हमें उन्हें बुलाना होगा, जल्दी जाओ। ठीक है। किसो पियो। कोई मोक्ष नहीं, मैं केवल राक्षसों को बचाता हूँ, इंसानों को नहीं। कश्मा दादाजी, वो दोनों अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई। ये मेरा जीवन नहीं है जो मैं इसके बारे में सोचूं। दिखाओ, तुम्हें बताओ मुझे उसे क्यों बचाना चाहिए। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। कश्मा दादाजी, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, आप इनकी मदद करिए। बस करो, बस करो। ऐसा है तो मैं उसे बचाऊंगा, पर तुम इंसानों को बचाने के सारे नियम तो जानती ही होगी ना। उसे बचाने के लिए तुम्हें अपना पूरा खजाना देना होगा। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास खजाना नहीं है, मेरी बहन ही मेरा खजाना है। आप मेरी जान लेकर उसे बचा लो। मैं तुम्हारी जान का क्या करूंगा? तुम्हारा चाकू हर समय परछाई की तरफ तुम्हारे साथ ही रहता है ना। ले लीजिए। हाँ, इसकी कीमत क्या होगी? लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया। ये तुमसे लेने का मतलब है लोगों की जान बचाना। वहां रख दो इसे। ये क्या है? सोने का पानी सुनहरा पानी है, ऐसा केवल साधारण लोग के ही मन में चलता है। सही समय पर तुमने डॉक्टर को बुला लिया, थोड़े समय में ये पूरी तरह से राक्षस बन जाएगी, समझ रही हो? तब क्या होगा? मुझसे ज्यादा बदसूरत है। लुआन, हाँ? दवाई के डब्बे के पास जाओ और मुझे वो दवाई दो। ठीक है। सदमे में क्यों हो तुम? वहीं बाएं तरफ रखी होगी, लेके आओ। क्या हुआ, अभी तक मिला नहीं तुम्हें? लेकर आओ जल्दी। मुझे तुम्हारे चाकू पर भरोसा है, ये लोगों की सुरक्षा करेगा, ना कि निर्दोषों को मारेगा। मगर एक दिन आता है जब दादाजी, एक समय ऐसा आएगा जब तुम और तुम्हारी बहन का दादाजी मौत से बचना मुश्किल हो जाएगा, तब भी तुम अपनी बहन का साथ देना। मदद करने के लिए शुक्रिया। चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कल सुबह जल्दी वापस भेज दूंगा। क्या तुम मुझे सच में वापस भेज दोगे? हाँ, डरो मत, मैंने वादा किया था तुम्हारे दादाजी से। नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर यहां से कहीं भी जाओ। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम तुम्हें चोट लगी हुई है, ये दवा ठीक कर देगी। ये बहुत अच्छी दवाई है, पता है तुम्हें? तुम्हारे साथ ये बिताया हुआ टाइम याद रहेगा। अब मुझे अच्छा लग रहा है,
मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे लगा कि तुम पैसों के भूखे हो, पर मुझे बाद में सच का पता चला कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। मेरी गलती के लिए मुझे माफ करना। तुम मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दोगे ना? मैंने भी कुछ गलत किया। पहले मुझे लगा कि तुम्हारे आने से सब बुरा हो रहा है, पर बाद में पता चला शार्क फिश हमेशा गुड लक ही लाती है। सच में मुझे माफ करना। क्या तुम्हें वो चाकू मिला जब तुमने अपने गुरु को धोखा दिया? तो मुझे लगा नहीं था तुम्हारी मुलाकात ऐसी होगी। वो चाकू क्या है? लुआन, तुम जाकर मेरी बहन को देखो, कुछ पुराने दोस्तों से मिलना है। आजकल के बच्चों में बहुत जोश है, जब देखो तब लड़ते रहते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। जो भी हो सामने आओ। उन्होंने उसे हरा दिया। मूर्ख बूढ़े, जल्दी से उसे मुझे सौंप दो। बुढ़े, तुम इसे कब तक बचाओगे? लुआन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस उसे बचाइए। हाँ तो तुम लुआन, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, एक साथ काम करेंगे। भाई, बहन, निकलो। चलो, कछुआ महाराज। डॉक्टर, कछुआ महाराज, क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर, 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 लुआन कहाँ है? वो जोशु से ले गया। हाँ, भाई तुम ठीक तो? उसने हम लोगों के ऊपर किस हथियार से वार किया था? वो एक भूत चाकू था, नंबर 3 भूत चाकू। लेकिन उसके साथ कोई और क्यों नहीं था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक उसकी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम कौन हो?
ये बताओ ये सब चल क्या रहा है? तुमको लुआन की सच्चाई पता होनी चाहिए। राक्षसों की दुनिया तुम्हारी दुनिया पर राज करना चाहती है। इतने सालों से ये ड्रैगन गोल्डन शरीर को जिंदा करने के लिए लड़ रहे हैं। कल पूर्णिमा की रात है। चांदनी रात की शुरुआत में ही वो नदी के पानी के पास लुआन के शरीर को लेकर जाएंगे। सबका तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। रक्त राक्षस का जहर तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन शरीर को अभी भी कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। तुम अपनी बहन को किसी दूसरी जगह पर लेके जाओ, जल्दी। भाई, मुझे हमेशा से पता था कि मैं लियो जियायोपियन नहीं हूँ, और ना ही तुम लियो यूडो हो। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। इतने साल तुमने अपमान का बोझ सहते हुए अपनी पहचान छुपाई सिर्फ मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे सब पता है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ भाई, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। भाई, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। भाई, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, मेरी चिंता मत करो। जाओ जाओ भाई। रुको, ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी, लो, संभल कर जाना। क्या हुआ? तुम तियान दो और तियाक सिन हो ना, तुम यहाँ पर कैसे आए बताओ? सही कहा महाराज, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। राक्षस, कोशिश करो। मैंने तुम्हें बचाया है, और देखो ना ये क्या कर रही है। मैं दुखी हूँ, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तियांदाओ और त्यासिन जैसा दुनिया में कोई नहीं। अब तियांदाओ मर चुका है और बस त्यासिन बची है, और वो कैसे कमजोर हो सकती है? अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मेरी बात मानो। तुम जैसा कहो। मेरी बात सुनो, जाओ, मैंने एक सूप बनाया, उसे ले आओ और उसको थोड़ा सा पिला दो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद, तुम्हारा बदला लेकर करूंगा। आखिरकार वो समय आ ही गया। ध्यान से देखो, तुम आ ही गए लियो यूडो। सच में तुम वही हो ना? उन बेकार की चीजों को छोड़ो, अब मैं आ गया हूं, तुम लुआन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या तुमने इसके लिए कुछ कहा? ये धोखा नहीं है, ये ब्लैक ड्रैगन का पुनर्जन्म है। ये ब्लैक ड्रैगन का पुनर्जन्म है,
अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब किसका था, लेकिन अब सब मेरा है। ब्लैक ड्रैगन का पुनर्जन्म होगा। मेरे चाकू से तो पूछ लो। रोको इसे! बदलकर पूर्व चाइना सागर में लौटेगी तब भयानक बाढ़ आएगी, मुझे नहीं पता कितने लोग मरेंगे। एक को मारकर 10,000 लोगों को बचाना मैं समझ रहा हूँ, पर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये कर्म इस बुराई की जिम्मेदार है, पर तुम नहीं, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तुम जाओ भाई। जाओ। याद है, और मेरे कपड़ों में भी मदद की थी तुमने। तुम कहती हो कि सारे राक्षस बुरे नहीं होते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या तुम सब भूल गई हो? तुम्हें याद नहीं आ रहा? मैं तुम पर बस मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारे दिमाग में भूत चाकू कैसे है? बस काफी है। मैं और खेल नहीं सकता। इस बार के लुलुआन Oh!
आगे कहाँ जा रहे हैं? मैंने उससे वादा किया था कि मैं इसे वापस लेकर जाऊंगा। आगे क्या होगा? अगर गुरु के आदेश का पालन नहीं किया तो मैं सब बता दूंगा। हाँ, अच्छा अच्छा, एक एहसान करोगे? मैं अपनी बहन को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं। भाई, बेहतर होगा कि ये अकेले जाकर सजा भुगते, समझी? अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना, मिलते हैं दोबारा। चलो। दरवाजा खटखटाना कब सीखोगी? भाई, भाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तुम अभी भी इन चीजों पर काम कर रहे हो? मैं यही करता आया हूँ पूरी जिंदगी। और बताओ, इतने सोने की घोल की बर्बादी क्यों करना? इसे वापस खजाने में ले आओ। तुम्हें जो करना है करो, इसे ठीक से रखने में मेरी मदद करो। चलो जल्दी काम करो, चलो घुमाओ उसे जल्दी। एक बात बताओ भाई, वो लुआन एक साल के लिए दूर है, तुम उससे मिलने कब जाने वाले हो? मैंने अपने पड़ोसियों से सुना था कि अगर ड्रैगन को वापस जमीन पर आना होता है तो आप उसे 18 अगस्त को पकड़ सकते हैं। 18 अगस्त के दिन वो सब जमीन पर आते हैं, कियानटैंग रिवर टाइड के पास, सबसे खराब टाइड का दिन, वो तभी लौटते हैं। भाई, 18 अगस्त कब आएगा? रुको लुआन, पूछा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ।
मैं वापस आ गई हूँ। तैयार हो जाओ।